नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जैसा कि आपको बताया चैप्टर चल रहा है वर्ड फॉर्मेशन, उसी के अगले क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए थे। हर टाइप के यानी का मतलब ये है कि मैंने वो टाइप का हर क्वेश्चन कराया था जो अक्सर पूछा जाता है। अब ये जो क्वेश्चंस कराए हैं ये पूछे जाते हैं, लेकिन तुलनात्मक ढंग से अगर देखा जाए तो थोड़े कम पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं गए या पूछे जाएंगे नहीं, लेकिन अगर तुलना करें कि कल वाले क्वेश्चन से आज वाले क्वेश्चन के, थोड़ा उससे कम पूछे जाते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं आपको कराने वाला हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस में कौन कौन से आए हुए हैं वो भी बता दूंगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने जो लिखे हैं ये मैंने कोई भी ऐसा नहीं कि मैंने किसी बुक से उठाए या मैंने कहीं से उठाए। प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे क्वेश्चन बुक में भी हैं, ऐसा नहीं कि बुक में नहीं है, बुक में भी है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाटे हैं कि जो क्वेश्चन हर बुक में है। इसमें से एक आध क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद ये वाला है। ये क्वेश्चन आपको लगभग हर राइटर की बुक में मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एसएससी में 2-3 बार पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, जो आगे भी पूछे जा सकते हैं और पहले भी कई बार पूछे गए, वो सारे मैंने आपके सामने लिख लिए। होता क्या है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ फिर मैं एक ही क्वेश्चन लिखता हूँ तो उससे आपका समय बहुत बर्बाद होता है। तो मैंने सोचा यार मेरा समय जाएगा लेकिन बच्चों का बर्बाद क्यों करें। तो मैंने आज क्या किया कि मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख के रख लिए ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद ना हो, सिर्फ समझाने में जाए जो समय जाए। क्योंकि अब आप भैया डिजिटल बोर्ड का जमाना है, डिजिटल बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं, टीचर आपको एक्सप्लेन करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं लेकिन मैं लिखता हूँ, आपको लगता है सर समय बर्बाद हो रहा है, तो आप लोग लिए मार के चले जाते हैं कि बाद में देख लेंगे स्किप कर करके। तो इससे अच्छा मुझे लगा कि भाई आप स्किप ना मारो, आप इसी टाइम में देखो जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन लिख के रख लेते हैं ताकि आपको स्किप मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बेटा ये रहे क्वेश्चंस, आपको दिख रहे हैं। जो बच्चे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं वो कर लें, अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन तो नहीं लिखे, करना क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने अंदाजन लिख दिया कि करना क्या है वो सिर्फ सुनोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आए आपने स्क्रीनशॉट लिया काम चल गया। क्या करना है ये मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हैं, वरना मुझे भी बहुत समझ आता लिखने में। तो अब शुरू करते हैं आपका समय बर्बाद किए हुए बिना। तो बेटा पहले क्वेश्चन आपको करना यह है, आपको इस तरीके से 5 शब्द मिलेंगे और ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ये निम्नलिखित शब्दों को आपको दर्शाया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा ऐसा एकल अक्षर हटाया जाए कि जिसके बाद सभी अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। अर्थात आपका मतलब यह है, इंग्लिश में अगर हम बात करें कि आपको ये बताना है इंग्लिश में क्या, नॉर्मल जनरल भाषा में समझा देता हूँ जिसमें आप हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों समझ जाएंगे। करना क्या करना है, ये जितने भी अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, जितने भी वर्ड दिख रहे हैं, होस्ट पोस्ट कोस्ट लॉस्ट स्टॉप, इनमें से एक अल्फ़ाबेट हटकाना है। चाहे आप एस हटाओ सब में से, चाहे आप टी हटाओ सब में से, चाहे पी हटाओ, चाहे हटाओ, आप सब में से एक ऐसा अल्फ़ाबेट हटाओ। और सभी में से हटना चाहिए कि एक ऐसा अल्फ़ाबेट हटाओ जो हटाने के बाद सभी अल्फ़ाबेट सभी वर्ड जो हैं वो एक नए वर्ड बन जाए। जैसे होस्ट है या पोस्ट है या फिर कॉस्ट है, अब लॉस्ट है, स्टॉप है, तो स्टॉप में से क्या हटाओ। तो सपोज़ करो बच्चे कैसे करते हैं बता देता हूँ, तो इसमें कुछ करना नहीं है, ऑप्शन दिए आपको हटाना है, बस एक अल्फ़ाबेट कोई सा हटा दो। तो पहले तो हम पी कभी नहीं हटा सकते, क्यों, पी कभी आंसर नहीं हो क्योंकि पी इसमें है नहीं, तो हटाओगे कैसे। और आपको सब में से एक एक हटाना है तो पी तो कभी आंसर होगा ही नहीं। पहली बार जो सब में कॉमन है वही आंसर हो सकता है, फिर टी सब में है। अब सपोज को मैंने टी हटाया, तो अगर मैंने टी हटाया ये रह गया हॉस, ये रह गया पॉस, ये रह गया कॉस, क्या पॉस हॉस कॉस कुछ होता है, बोले नहीं सर ये तो कुछ नहीं होता, इनका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा एस और बचा ओ। अब सपोज करो मैंने ओ हटाया, क्योंकि आंसर तो क्या है मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हो लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ। अगर मैंने ओ हटाया तो एस टी पी, क्या एस टी पी कुछ होता है, एल एस टी क्या कुछ होता है, बोले नहीं होता, तो इसका मतलब ओ भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो क्या बचा एस, अर्थात ये है कि जब आप एस हटा देंगे तो आपके वर्ड बनेंगे हॉट मतलब गर्म, पॉट मतलब बर्तन, कोट लोट और आपका बनेगा टॉप। तो देखो आपको ये पता चल गया कि बाकी तीनों को हटा के तो नहीं बन रहा था। अब इसमें भी हो सकता है आपको इसका मीनिंग ना बताओ, आपको इसका मीनिंग ना बताओ, तो आपको पता करने की ज़रूरत है भी नहीं। क्यों, क्योंकि आपको क्या मतलब मीनिंग से, आपको यहाँ मीनिंग से मतलब ही नहीं, आपको देख रहा है कि नए वर्ड बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि इन तीनों को हटा के तो वर्ड बन ही नहीं रहते ना। इसमें आपको तीन तो समझ में आ रहे हैं, हॉट होता है बोले हाँ होता है, पॉट होता है बोले होता है, टॉप होता है बोले होता है, तो आंसर क्या है बोले ए, आंसर क्या हो गया मेरा ए हो गया। तो आपको क्या करना था, तो आपको बस ये करना था कभी पेपर में मिले कि एक अक्षर हटाओ, तो आप सब ऑप्शन दिए होंगे 4,
सब में से कोई ना कोई एक अल्फाबेट ऐसा होगा जिसको हटा के आपको वो एक मीनिंगफुल बनता हुआ नजर आएगा। जो भी जिसको हटाने से मीनिंगफुल बनता हुआ नजर आए उसको लगा के आ जाना, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेनली जीएस में आता है, स्टेनोग्राफर के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि 50 नंबर की रीजनिंग आती है। तो एसएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपी पुलिस में भी आ जाते हैं, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन तो यूपी पुलिस में भी देखने को मिलेगा, तो ध्यान से नोटिस करिएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ईट आर इज एज इट, इसमें क्या करना है? अब इसमें क्या करना है ध्यान से, फिर से वही लिखा हुआ मिलेगा कि आपको निम्नलिखित शब्दों को दर्शाया गया है, इन शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जाए जिससे कि सभी अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। मतलब क्या है कि अभी इसमें से हटाया था, अब लगाना है, और लगाना कहाँ है? पहले, कि हर अक्षर के पहले मैं कौन सा अक्षर लगाऊं जिससे मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, सारे वर्ड नए बन जाए। तो फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं बी से, कि बीट माने मारना, लेकिन बी ओ यू आर बॉर कुछ होता है क्या? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा। क्या बिस बी आई एस कुछ होता है? बोले नहीं, तो ये आंसर कभी भी नहीं होगा। अब मैं सी लगाता हूँ, तो सी एट, चलो सी एट का टायर आता है मैंने मान लिया, लेकिन सी ओ यू आर क्या कुछ होता है? सी आई एस क्या कुछ होता है? बोले नहीं होता, ये भी कट गया। मैंने एस लगाया तो सेट, सेस, चलो सेट मान भी लो कुछ होता है, तो एस 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 सांस के लिए भी डबल एस, डबल ए एस होता है, सेस भी कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तीन कट गए। क्या बचा? एच। अब देखो जैसे ही आप एच लगाओगे सबके आगे तो आपको क्या दिख जाएगा? हीट मतलब गर्म, आर हिज हैज और हैट, तो आपको दिख जाएगा सारे क्या बन गए? मीनिंगफुल वर्ड बन गए, अर्थपूर्ण शब्द बन गए, मतलब जिनका कोई मीनिंग है ऐसे शब्द बन गए। क्या लगाने से बने? एच लगाने से बने। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? एच हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है क्या करना है? आपको इन सभी अक्षरों के पहले एक अक्षर लगाना था, चारों में से ऑप्शन में से कोई सा भी एक, तो आप लगा के चेक कर लेंगे, और ऐसा लगाना था जिससे सारे के सारे क्या बने? मीनिंगफुल शब्द बने, ऐसे शब्द बने जिनका कोई अर्थ हो। तो आपके समझ में आ गया क्या? आ गया कि इन तीनों को लगा के तो आंसर नहीं आ रहा, लेकिन एच लगा के आ रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों बता रहा हूँ। पहले में एक हटा दिया, दूसरे में सबके पहले कुछ लगा दिया, अब तीसरा क्वेश्चन है। फिर से आपको कुछ शब्दों को दर्शाया गया है, निम्नलिखित शब्दों के बाद में हम कौन सा अक्षर लगाएं जिससे एक मीनिंगफुल शब्द बन जाए, जिससे सभी शब्द अर्थपूर्ण शब्द, नए अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। मतलब ये सारे के सारों के पीछे मैं क्या लगाऊं जिससे सबके सब नए बन जाए। सपोज करो ए, हाटा, क्या हाटा कुछ होता है? एच ए टी है, नहीं होता। बारह कुछ होता है? नहीं होता, तो ए कभी भी आंसर नहीं हो सकता। मैं डी लगाऊंगा, हटड, बार्ड, बटड, कुछ होता है क्या? नहीं होता, इसका मतलब डी लगा के भी आंसर नहीं आ रहा। मैं बी लगाऊंगा, हटब, क्या हटब कुछ होता है? नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होगा। जैसे ही मैं ई लगाऊंगा तो आपको दिखेगा हेट, नफरत, बेयर, सहन करना होता है शायद, बेट, पाइन, पाइन एप्पल ना सुना होगा, और बात। तो आपने देखा जैसे ही आपने ई लगाया सबके एंड में, सारे के सारे क्या बन गए? एक अर्थपूर्ण शब्द बन गए। तो क्या लगाने से बना? ई, तो बाद में ई लगाया, सारे नए शब्द बन गए, तो आंसर क्या हो गया? ई। बोले ई को लगाएंगे तो सारे ही नए शब्द बन जाएंगे। तो आपके क्या समझ में आया? आपके ये समझ में आया कि तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्द जब भी चार पांच क्वेश्चन दिया तो तीन पूछ सकता है, या तो कुछ हटाएगा, या पहले कुछ लगाएगा, या बाद में कुछ लगाएगा। तीनों क्वेश्चन एक एक टाइप का, एक एक क्वेश्चन करा दिया, ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है इस तरीके के, एक एक क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग गया होगा एक क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो करिए, नहीं नहीं दिखे तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। तीन क्वेश्चन मैंने करा दिया, बस ये इनफ है, पेपर में आएगा, वीडियो देखी होगी तो आप कर करके आ जाओगे, इससे ज़्यादा की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अब कल मैंने कराया भी था इसमें क्वेश्चन आपको, कि आपको बताना था कि ऐसा कौन सा शब्द है जो ऊपर वाले शब्दों का यूज़ करके बन रहा है। सेम काम इसमें करना है, आपको बताना है कि ये जो सारे अल्फाबेट लिखे हुए हैं इनसे, इनमें से कौन सा शब्द बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बनेगा हमें वो ढूंढना ही नहीं है, हमें वो ढूंढना है जो नहीं बन सकता, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो कैसे करेंगे? आप चारों ऑप्शन को उठाओ और देखो कि ऐसा कौन सा शब्द जो ऊपर आया ना हो। क्यों? क्योंकि ऐसा अक्षर जो ऊपर आया ही नहीं है, वो नीचे होगा तो वो कभी भी नहीं बनेगा। तो आपने देखा पी, पी देखो ऊपर है ही नहीं, जब पी है ही नहीं तो ये शब्द कभी भी इससे बनेगा ही नहीं, ये नहीं बनेगा तो ये कभी आंसर नहीं होगा। एक ऑप्शन निपट गया, बाकी तीन बचे। अब इनमें गौर से देखो, तो अब आपने नज़र दौड़ाई जल्दी से, तो आपने देखा एन इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन एन ऊपर है ही नहीं। जब यहाँ पे एन है ही नहीं तो ना तो ये बन सकता है और ना ही ये बन सकता है, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। क्या बचा? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। देखो S A F E G U A R D बन गया सेफ गार्ड,
ठीक है, ऑप्शन भी बन गया। तो इससे कौन सा शब्द बन सकता है इन अक्षरों से, ये पूछा था, तो कौन सा बन गया, सेफगार्ड। आंसर क्या हो गया, सेफगार्ड। तो ध्यान रखिएगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बहुत सारे अक्षर दे देगा, कभी कह देगा कौन सा एनिमल बन रहा है, कभी कह देगा कौन सा पक्षी बन रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन हो बस आपको आगे पीछे करना है, या कभी कह देगा कौन सा शहर का नाम बन रहा है। एक अमृतसर वाला क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया, उसमें क्या करता है ना वो TMISRAR ऐसे दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि इनसे कौन सा शहर का नाम बनना है, तो क्या बन जाता है, ए अमृतसर बन जाता है, अमृतसर। ठीक है, 448, 448 कुछ कम रह गया ना, AMI T है, दो ए आएंगे, तो ARA सपोज करो, ये दे दिया RARA, तो ये शब्द दे देगा आपसे, बोलेगा इनसे कौन सा एक शहर का नाम बनाया जा सकता है। तो आपने क्या बताया, चार ऑप्शन देगा आपको, तो आपको दिख जाएगा अमृतसर बन रहा है ना, तो वो देख के अंदाजा लगेगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अमृतसर वाला, तो मैंने थोड़ा सा याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको कि इसमें क्वेश्चन ही पूछे जा सकता है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है, बिहाइंड। आपसे बोला जाएगा बेटा कि जो शब्द बिहाइंड है इसके अक्षरों का क्रम बदले बिना कितने मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब इनका क्रम नहीं बदलना, एक अक्षर का एक से ज़्यादा बार प्रयोग नहीं करना, तो बताइए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4, मतलब बिना क्रम बदले कितने बन सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम बिना चेंज करें कुछ कर ही नहीं सकते, बस ऐसे ही तोड़ दो इन्हें। जैसे कि हिंद, क्या हिंद कुछ होता है, तो हिंदुस्तान को हिंद हम बोल देते हैं है ना, लेकिन हिंद कोई शब्द नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए आप इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कैसे कैसे बनते हैं कि बिना क्रम बदले बन रहा है, तो एक बन रहा है बेटा बी मतलब होता है होना है ना, और दूसरा बन रहा है इन माने होता है मैं। हमने कुछ क्रम नहीं बदला, हमने कोई छुआछेड़ी नहीं करी, जैसे लिखे हुए बस उनको देख लिया कि अगर मैं ये हटा दूंगा तो बी बन गया, मीनिंगफुल शब्द है, अगर आगे वाला ये हटा दे तो आई एन भी बच गया, तो आई एन भी एक शब्द है। तो कितने शब्द बन गए, दो, एक बी बन गया, एक बन गया, आंसर कितना हो गया आपका, दो। आप कुछ कहेंगे सर पूरा बिहाइंड भी तो बनना है, बेटा इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कितने बन रहे ये पूछा है, इस शब्द के अंदर तो पूछे है ना, तो इसे काउंट क्यों करेंगे। तो इस शब्द के अंदर सिर्फ दो बन रहे हैं, एक बी एक इन, तो आंसर क्या हो गया, दो। बेटा ये टोटल वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मेरा रीजनिंग का कोई रोल नहीं, टोटल इंग्लिश का रोल है, करते कैसे ये मैंने बता दिया, लेकिन अगर वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन, क्लियर। इनकी सिर्फ प्रैक्टिस ये है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे, रिपीट हो गया क्वेश्चन तो अच्छी बात है, वरना वोकैबुलरी पे ध्यान दो, जो SSC वाले हैं तो ध्यान देते हैं, तो यूपी पुलिस वाले उनके में आता भी नहीं ज़्यादा, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा भी रखे हैं और मैं कराऊंगा भी पेपर पूरे पूरे सॉल्व, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हमें, मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा की हमें जरूरत पड़ेगी है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आए हुए क्वेश्चन है वही रिपीट होंगे, इसमें क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन एटलीस्ट बता दिया कि आ जाए तो आप ट्राई कर पाओ। डन, आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये देख रहे हैं आपको, छठा। अब छठे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थ्योरी होती है आधे पेज की, तो मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, अब ध्यान से सुन लेना और लिख लेना जो बच्चे लिखना चाहते हैं, कि शब्द कॉन्ट्रैक्ट के चौथे आठवें और दसवें अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द कॉन्ट्रैक्ट के चौथे आठवें और दसवें अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, या आपको कैसे क्वेश्चन देगा कि शब्द कॉन्ट्रैक्ट के चौथे आठवें दसवें अक्षरों से जो अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है उसका प्रथम अक्षर क्या होगा। अगर खत्म, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, यदि उसके आगे लिखेगा यदि एक से अधिक शब्द बने तो उत्तर M दीजिए, और यदि एक भी शब्द ना बने तो उत्तर X दीजिए। मतलब आपको देखना है कि चौथे पे क्या आ रहा है, बोले सर N आ रहा है, आठवें पर क्या आ रहा है, बोले 5, 6, 7, 8 A आ रहा है, और दसवें पे T आ रहा है, तो आपको बताना है NAT से मीनिंगफुल शब्द कौन सा बनेगा। अगर एक ही बनेगा तो उसका पहला अक्षर आंसर बता दो, अगर एक भी नहीं बनेगा, कोई बनेगा ही नहीं, बोले NAT कुछ होता है क्या, नहीं होता, नहीं बनेगा एक भी शब्द तो आंसर X दूंगा, और अगर एक से ज़्यादा बन गए तो आंसर कितने दूंगा, तो आंसर मैं आपको दो दूंगा, M दूंगा या Z दूंगा, कुछ भी बोल देगा कि एक से ज़्यादा शब्द बनेंगे तो उत्तर Z दीजिए, एक भी नहीं बनेगा तो X दीजिए, और एक बनेगा तो उसका पहला अक्षर आंसर बताइए। इस तरीके में पूरा क्वेश्चन देगा आधे पैराग्राफ का। तो आपको क्या करना है, देखिए आपने क्वेश्चन तो देख लिया कि चौथा आठ दसवां NAT है, क्या इनसे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो आपको तुरंत दिखेगा 10। ठीक है, एक क्या बन रहा है, 10 बन रहा है, तो आंसर क्या हो गया, एक तो हो गया 10 ही हो गया, ये वो वाला 10 नहीं है। आप सोच रहे होगे कि TEN 10
कौन सा टी एन होता है, दस दस वाला टेन नहीं है, ये भी एक टेन होता है, इसका एक मीनिंग होता है, तो ये आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा कौन सा बनना है, दूसरा बनना है अंट, ए एन टी अंट, अंट क्या होता है, चीटी होता है, क्लियर। तो कितने बन गए बेटा, दो बन गए। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक से ज़्यादा बन रहे होंगे तो आंसर क्या देंगे हम, तो आंसर हम देंगे जेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जेड, क्लियर। तो अगर एक बन रहा होता, सपोज करिए ये नहीं बन रहा होता, सिर्फ एक बन रहा होता, तो मैं आंसर क्या लगा क्या था, ए। दो बन गए तो क्या लगाया, जेड, और दोनों में से कोई नहीं बनता तो क्या लगा क्या आता, एक्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, ये भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, वोकैबुलरी अच्छी होगी लगा लोगे साइड करके, नहीं अच्छी होगी नहीं लगा पाओगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सातवां क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है, आसान क्वेश्चन है और आपको आंसर बताना है, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में जितने चार क्वेश्चन नीचे के, उन चारों क्वेश्चनों में मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा और आपको आंसर बताना होगा। मैं 30 सेकंड गिनूंगा बकायदा, यहाँ पे साइड में आपको टाइमर भी दिखाई देगा, जो बच्चे 30 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे वो तो ठीक है, मतलब वो तो कमेंट में आंसर बता देना, अगर आप 30 सेकंड में नहीं कर पाओगे देन मैं बताऊंगा, क्लियर। तो सातवां क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको इन अक्षरों का प्रयोग करके बताना है ऐसा कौन सा जानवर है जो बनाया जा सकता है, और जो जानवर बनेगा उस अक्षर का, उस जानवर के नाम का पहला अक्षर आपको आंसर बताना है। इसका प्रयोग करके कौन सा जानवर बनेगा, जो जानवर का बनेगा उसका पहला अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको, टाइमर साइड में चल रहा है। चलिए देखिए, अब आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं करा तो मैं बता देता हूँ। तो इससे जो शब्द बन रहा है वो है हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। तो पहले आपने शब्द निकाल लिया कौन सा बन रहा है, हॉर्स बन रहा है, और उसका आपको क्या बताना था, पहला अक्षर आंसर बताना था, पहला अक्षर क्या है, एच, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एच, क्लियर। जिन बच्चों का एच आ गया था वो ठीक है, कुछ और आया है तो गलत है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा वाहन का नाम बन रहा है, और जिसका बन रहा है उसका पहला, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। इससे एक वाहन का नाम बनाया वो बनाओ और उसका अंतिम अक्षर बताओ। टाइमर चल चुका है, टाइमर देखते रहिएगा जल्दी से। जल्दी जल्दी कौन कौन आंसर दे रहा है जल्दी से बताते रहो, जल्दी से आप लोग बताते रहो कौन कौन बच्चा आंसर दे रहा है, ठीक है। किसके आ रहे हैं, 30 सेकंड बहुत होते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन तो 5-5 सेकंड के हैं, क्लियर। 30 सेकंड बहुत होते हैं, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कौन कौन से बन रहा है, क्लियर। चले टाइम पूरा मैं बताता हूँ, बन गया आपका ठीक, नहीं बना देखिए कैसे करना है। तो बेटा इससे जो शब्द बन रहा है, जो वाहन बन रहा है वो है ट्रेन, क्या है, ट्रेन बन रहा है, टी आर ए आई एन। और आपको क्या बताया था, जो शब्द बनेगा, जो वाहन बनेगा उसका आखिरी अक्षर, आखिरी अक्षर क्या है, एन। मेरा आंसर क्या हो गया, एन, डन। नवा क्वेश्चन आपको बताना है, इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शरीर का अंग बन रहा है, कौन सा बॉडी पार्ट बन रहा है। समय चल चुका है, जल्दी से बताइए, और जो बॉडी पार्ट बनेगा उसका बीच वाला अक्षर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से कौन सा बॉडी पार्ट बन रहा है, जो बॉडी पार्ट बनेगा, टाइमर चालू है ऑलरेडी, कौन सा शब्द बनेगा, बॉडी पार्ट बनेगा, कौन सा शरीर का अंग बनेगा, और जो बनेगा उसका बीच वाला अक्षर बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जिन जिन बच्चों का आ रहा है वो जल्दी से कमेंट करके बताओ, कमेंट जरूर करना है ना, जल्दी से कमेंट करो और बताओ जल्दी से कौन सा बनेगा। 30 साल टाइमर के अंदर अंदर, टाइमर के बाद नहीं। डन, बन गया होगा, देखिए। तो बेटा ये बन के तैयार है, अब शुरू करते हैं अपना काम, कैसे होगा, क्या होगा, किस लिए होगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द बनेगा, शरीर का अंग बनेगा। तो आप देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए था। इससे जो शब्द बनेगा बेटा वो बनेगा माउथ, क्या बनेगा, माउथ, मुंह, और इसका बीच का क्या है, यू है। तो आंसर क्या हो गया आपका, यू हो गया, यही आपसे पूछा गया था। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, आज का
समय ज़्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, एक घंटा दो घंटे की नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इतने इतने डेली डेली करते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एक साथ ज़्यादा पढ़ोगे तो बोर भी हो जाओगे और पढ़ोगे भी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली का पढ़ो जरूर। तो डेली की एक क्लास 9 बजे चलती है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि डेली 9 बजे रात में क्लास चलती है, 9 बजे लगभग सब फ्री हो जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, और नहीं खाते तो प्लीज़ खाना शुरू कर दो, क्योंकि कहा जाता है साइंटिफिक रीज़न है कि सोने से लगभग 2-3 घंटे पहले तो खाना खा ही लेना चाहिए ताकि आपका खाना अच्छे से पचे और आपको नींद अच्छी आए, वरना खाना पचता नहीं है, पेट खराब हो जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि आपका जब तक पेट से नहीं होगा तब तक पूरी बॉडी का काम सही नहीं चलेगा, पेट से सारी बीमारी सारा आपका तंदुरुस्ती का राज है। तो इसलिए 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए सोने से, जो कि आप नहीं करते हो। तो इसलिए 9 बजे तक फ्री होके तब वीडियो देख लिया करो, मुश्किल से आधा घंटे की वीडियो होती है, आधा घंटा तो आप निकाल सकते हो डेली का रीजनिंग के लिए, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेली का आधा घंटा मेरी वीडियो देख लो, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप किसी पेपर में जाके बैठ जाना, आप कोर्स खुद का कि हाँ, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, मॉक टेस्ट करके देख लेना, आपको लगेगा कि हाँ सर ने कुछ कराया है, ठीक है। और यकीन ना हो तो जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनसे पूछ लो, वो बता देंगे आपको। चलो शुरू करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है इसका यूज करके कौन सा अनाज का नाम बनेगा, और जिस अनाज का नाम बनेगा उसका आखिरी अक्षर क्या होगा। अगर कोई अनाज का नाम बन रहा है तो उसका आखिरी अक्षर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है कि अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा ऐसा अनाज है इसका नाम बना। टाइमर ऑलरेडी चालू हुआ, आपको दिख रहा होगा टाइमर चालू है, जल्दी से आपको बताना है। चले समय अवधि समाप्त है, आपको टाइमर दिख ही रहा था, टाइम हो चुका है, तो आप शुरू करते हैं। आज दिन का आ गया, बहुत अच्छी बात, बहुत मुबारकबाद हो आपको, बहुत शुभकामनाएं आपको आपका आंसर आने की। तो कौन सा बन रहा है, देखिए इससे जो अनाज बन रहा है बेटा वो बन रहा है वीट। क्या बन रहा है, वीट, और अंतिम अक्षर क्या है, टी। तो आंसर क्या हो गया, टी। ये थे आज के 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चनों में मैंने लगभग आपको वर्ड फॉर्मेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। कल आपको जो कराऊंगा बेटा वो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जिसका एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में हमेशा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन सीजीएल तक में आया है, MTS CHSL सब में आता है, सुपर टेट में भी आ जाता है, अभी बिहार की भर्ती आई हुई है उसमें भी आने की संभावना है रीजनिंग, क्योंकि 5 नंबर की आएगी। तो आप ये समझ लो कि कल जो डिक्शनरी कराऊंगा वो हमेशा से आता आया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तो एक सेकंड में हम आंसर कर सकते हैं उसको, एक सेकंड तो नहीं मतलब 10-15 सेकंड में आंसर कर सकते हैं अगर हमें करना आता होगा। तो कल की क्लास मत भूलिएगा लेना, रोज रात 9 बजे चलती है, 9 बजे आ जाइएगा, साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब दिख रहा है, आप जहाँ चाहें आपका जो भी डाउट हो, जो भी सजेशन हो, मुझे साइड में दे सकते हैं, मैं उसका जरूर पालन करूँगा, उस कोशिश करूँगा आपके सजेशन को ध्यान में रख के आगे वीडियो बनाने की। तो कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जो जहाँ भी आप स्टोरी लगाएं मेरी वीडियो की आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेंशन करिए, टेलीग्राम पे डालिए, हिमांशु श्रोता रीजनिंग ग्रुप डालेंगे, मैं आपको हर जगह दिख जाऊँगा। तो आप जो भी यूज़ करते हैं वहाँ स्टोरी लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेंशन करिए। बाकी मिलेंगे आपसे कल रात 9 बजे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।